टोयोटा ने अपनी पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी हाईराइडर से पर्दा उठा दिया है। इसकी ऑफिशियल बुकिंग पहले से ही शुरू हो चुकी है, जबकि इसकी प्राइस अगस्त के आखिर तक सामने आएगी। हाईराइडर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में नौवीं कार होगी। इसका कंपैरिजन हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, स्कोडा कुशैक, फॉक्सवैगन टाइगन, एमजी एस्टर, निसान किक्स और मारुति एस्क्रॉस से होगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको हुंडई क्रेटा और टोयोटा हाईराइडर में से किसे चूज करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको आज आपके क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिथेश सोनी और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि हुंडई क्रेटा के मुकाबले हाईराइडर में क्या बेहतर मिलेगा। टोयोटा हाईराइडर में 1.5 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर दी जाएगी, जिसका कंबाइंड पावर आउटपुट 116 पीएस का होगा। इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 80.2 पीएस की पावर और 141 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगी। कंपनी के अनुसार इसे 40% दूरी तक प्योर इलेक्ट्रिक मोड पर चलाया जा सकता है। टोयोटा के अनुसार हाईराइडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 26 से 28 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देगी। इस हिसाब से ये सबसे ज़्यादा माइलेज वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार होगी। इस सेगमेंट में जल्द ही हाईराइडर का मारुति बेजिंग वाला वर्जन भी पेश किया जाएगा। वहीं क्रेटा की बात करें तो ये पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन में अवेलेबल है। टोयोटा हाईराइडर की एक और खासियत यह है कि इसमें ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी दिया जाएगा। हालांकि ये ऑप्शन इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ नहीं मिलेगा। ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के चलते इसे हर तरह के रास्तों पर बेहतर तरीके से ड्राइव किया जा सकेगा। साथ ही इसके टायरों की ग्रिल और हैंडलिंग भी फ्रंट व्हील ड्राइव एसयूवी से बेहतर होगी। इसमें 103 पीएस की पावर वाला 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिलेगा। इस इंजन के साथ इसमें 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस दी जाएगी। हुंडई क्रेटा के मुकाबले टोयोटा हाईराइडर में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलेंगे, जो मैं अब आपको बताऊंगा। टोयोटा हाईराइडर में LED DRL आपको स्टैंडर्ड दिए जाएंगे, जबकि हुंडई क्रेटा में आपको नहीं मिलेंगे। टोयोटा हाईराइडर में 360 डिग्री कैमरा दिया जाएगा, जो कि क्रेटा में नहीं मिलता। टोयोटा हाईराइडर में हील होल्ड कंट्रोल स्टैंडर्ड दिया जाएगा, जबकि क्रेटा में ये स्टैंडर्ड नहीं मिलता। व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट हाईराइडर में स्टैंडर्ड मिलेगा, जबकि क्रेटा में ये स्टैंडर्ड नहीं मिलता। 17 इंचेस के एलॉय व्हील्स हाईराइडर में स्टैंडर्ड मिलते हैं, जबकि क्रेटा में नहीं मिलते। ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स हाईराइडर में स्टैंडर्ड मिलते हैं, जबकि क्रेटा में आपको ये स्टैंडर्ड नहीं मिलते। हाईराइडर में आपको हेडअप डिस्प्ले मिलेगा, जो कि क्रेटा में नहीं मिलता, और हाईराइडर में आपको हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिलेगा। अब बात करेंगे टोयोटा हाईराइडर के मुकाबले हुंडई क्रेटा के पॉजिटिव्स के बारे में। टोयोटा हाईराइडर में आपको डीजल इंजन नहीं दिया गया है, जबकि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा डिमांड डीजल मॉडल्स की ही होती है। हालांकि हाईराइडर माइलेज के मोर्चे पर क्रेटा से कहीं ज़्यादा बेहतर है। क्रेटा एसयूवी में 115 पीएस की पावर वाला 1.5 लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जिसके साथ 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है। क्रेटा के डीजल मैनुअल वेरिएंट का माइलेज 21.4 किलोमीटर पर लीटर है और इसके ऑटोमेटिक डीजल वेरिएंट का माइलेज 18.5 किलोमीटर पर लीटर है। हुंडई क्रेटा में आपको पावरफुल 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 140 पीएस की पावर और 242 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ इसमें 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स दिया गया है। ये इंजन हाईराइडर के माइल्ड हाइब्रिड वर्जन की तुलना में 25 पीएस की ज़्यादा पावर और 37 एनएम का ज़्यादा टॉर्क जनरेट करता है। अब बात करेंगे कि हाईराइडर के मुकाबले क्रेटा में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे। हुंडई क्रेटा में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलेगा, जो टोयोटा हाईराइडर में नहीं मिलता है। हुंडई क्रेटा में आपको पावर्ड ड्राइवर सीट मिलेंगे, जो कि टोयोटा हाईराइडर में नहीं मिलता है। हुंडई क्रेटा में आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का ऑप्शन भी मिलेगा। क्रेटा में आपको बॉस का प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलेगा, जो कि टोयोटा हाईराइडर में नहीं मिलता है। अब बात प्राइजेस की। इंडिया में हाईराइडर को सफल प्रोडक्ट बनाने में इसकी प्राइस सबसे बड़ा रोल निभाएगी। टोयोटा हाईराइडर की प्राइजेस अभी सामने नहीं आई है। हाईराइडर के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट्स की प्राइस क्रेटा के डीजल वेरिएंट के करीब हो सकती है। क्रेटा के डीजल वेरिएंट की कीमत 10,91,000 रुपये से लेकर 18,18,000 रुपये एक्स शोरूम के बीच है। अब बात कंक्लूजन की। अगर आपको ज़्यादा माइलेज और एक बेहतर वैल्यू पैकेज चाहिए, तो आप टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर को चुन सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा पावरफुल इंजन और एक क्लासी लुक वाली कार चाहिए,
तो आप हुंडई के क्रेटा को चुन सकते हैं। मैंने आपके सामने इन दोनों SUVs का कंपैरिजन रख दिया है। पैसे आपके हैं, आपको चूज़ करना है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप आगे भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।